वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू बी। तो आज का ये वीडियो कोई भी डेली व्लॉग नहीं है, ना ही कहीं बाहर जाने का व्लॉग है। आज का ये वीडियो होने वाला है बेसिकली मिंत्रा का क्लोथिंग हॉल। और मिंत्रा से मैंने कुछ शॉपिंग की है, बेसिकली मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने ये मेरे लिए कुछ कपड़े मंगाए हैं डेली यूज के पर्पज से, और इसमें से कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है, सब कुछ उन्होंने अपनी चॉइस से ऑर्डर किया है। तो इस वजह से मैं कुछ और ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखती हूँ अमित की पसंद कैसी है अपने ऊपर। अभी ट्राई ऑन हॉल हम ये करने वाले हैं। तो मिंत्रा से उन्होंने मंगाई है कुछ टी शर्ट्स एंड एक ट्राउजर भी है आई थिंक इसमें। अभी तक मैंने जस्ट इसको ऐसे खोला है, इसकी पैकेजिंग पूरी अंदर से खोली भी नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सब कुछ इसमें ऐसे पैक्ड है। तो फटाफट से कलर तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, नॉट बैड, बहुत ही सॉलिड कलर्स मंगाए हैं अमित ने, पसंद कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, मजाक था ये। तो ट्राई करती हूँ, तो चलिए वन बाय वन इनको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि टी शर्ट्स एंड ट्राउजर कैसे लगते हैं मेरे ऊपर। So keep watching, without any further ado, let's get started. So guys, सबसे पहली टी शर्ट जो मैंने अनबॉक्स करी है वो ये है ब्लू कलर की oversized t-shirt. Oversized t-shirt है इसीलिए मेरी वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट होने वाली है, जस्ट बिकॉज मुझे oversized t-shirt से प्यार है। इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है ना ये, और इसका ये सॉलिड प्रिंट जो आप देख पा रहे हो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है इसको। एंड कंफर्ट की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका। एंड अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसमें मेंशन है 1200 रुपये, बट अभी ऑफर में हमें अराउंड 400-430 के समथिंग की मिली है। तो बहुत अच्छी डील हो बोलेंगे इसके लिए तो। और अमित को मैं इसमें देना चाहूँगी 10 out of 9, क्योंकि इस टी शर्ट में मुझे कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। 9 मैंने इसलिए दिया है जस्ट बिकॉज और भी कुछ टी शर्ट्स पेंडिंग हैं, तो उनको भी ट्राई करते हैं, क्या पता वो 10 out of 10 जाएँ। तो ये है इस टी शर्ट का ओवरऑल लुक, आप जैसा देख सकते हैं। ये टी शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसका प्रिंट, इसका कलर और इसका कंफर्ट, कपड़ा, सब कुछ ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छी डील रही। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टी शर्ट की तरफ, देखते हैं वो कैसी लगती है। तो फटाफट उसका करते हैं ट्राई ऑन हॉल। सो गाइस, ये है मेरी सेकंड टी शर्ट जिसका मैं कर रही हूँ ट्राई ऑन हॉल, और ये है येलो कलर में। बहुत ही सॉलिड कलर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, येलो कलर की एक खासियत होती है कि ये फेयर कॉम्प्लेक्शन पहने या डार्क कॉम्प्लेक्शन पहने या मीडियम कॉम्प्लेक्शन पहने, सब पे बहुत ही प्यारा लगता है, सनी वाला लुक देता है एकदम से। तो कितनी प्यारी टी शर्ट लग रही है। और ये है क्रॉप में, शॉर्ट में टी शर्ट्स, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट आपके पास सारा कुछ कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मूड के अकॉर्डिंग एंड ओकेजन के अकॉर्डिंग आपका कभी कुछ मन है पहनने का तो आप सब कुछ डिफरेंट पहन सको। तो अमित ने मंगाई है येलो कलर की बहुत ही प्यारी शॉर्ट में क्रॉप टी शर्ट, जो कि प्यारा सा लुक दे रही है। कमेंट सेक्शन में आप भी रेट कीजिएगा कि आपको मेरी कौन सी टी शर्ट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और ये येलो कलर की मस्टर्ड कलर में आपको कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी है और बहुत ही प्यारा लुक दे रही है, एंड फिगर भी बहुत अच्छे से इसमें दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। सो दिस वन इज ऑल्सो ऑसम, और इसको मैं रेट करूँगी, यार मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, 9-10 के बीच में क्या रेट करूँ, 8 तक तो मेरी सीढ़ी नहीं पहुँच पा रही है, तो दिस वुड बी 9.5। तो चलिए ट्राई करते हैं अपनी नेक्स्ट टी शर्ट। और हाँ वन मोर थिंग, मैं इसका प्राइस बताना तो आपको भूल ही गई। तो इसका प्राइस भी 300 और आई थिंक अंडर 300 था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है, अगर आपको चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली हमारी टी शर्ट्स हैं, जो कि वो बहुत ही अच्छा लुक भी दे रही है साथ के साथ। तो आप भी मिंत्रा से शॉपिंग करना मत भूलिए, इस सीजन बहुत अच्छी अच्छी डील्स आई हुई हैं आप सभी लोगों के लिए। सो गाइस, मैं अब बात करने वाली हूँ अपनी थर्ड टी शर्ट की, जो कि ये भी बहुत ही सॉलिड कलर में मंगाई है, और बात करें इसकी तो ये भी है ओवरसाइज टी शर्ट को देखकर ना दिल इतना खुश हो जाता है कि बस मैं क्या ही कहूँ। देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, एंड कपड़े की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई रुई पकड़ी हुई है हाथ में, इतना सॉफ्ट कपड़ा है इसका, डेली यूज़ के पर्पज़ से। और गर्मियों के लिए इससे बेस्ट टी शर्ट आई डोंट थिंक कोई भी हो सकती है। एंड लुक की बात करें तो कितना प्यारा ये कोरियन वाला लुक दे रही है मुझे, इतना प्यारा कलर। एंड डेनिम जीन्स के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं, और आप इसको घर में कैरी करना चाहते हैं, आप ट्राउज़र के साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो सॉलिड कलर्स मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे ऊपर लगते भी सॉलिड कलर्स अच्छे हैं, लाइट कलर ऑल्दो इतने अच्छे नहीं जाते हैं मेरे ऊपर। तो रेट कीजिएगा इस टी शर्ट को। और इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो ये भी अंडर 300 और 400 के बीच में ही है। सॉरी, मैं मुझे इनके प्राइसेस पर्टिकुलरली याद नहीं रहे, क्योंकि मैं ऑर्डर करती हूँ तो मुझे याद रहते हैं। मैं अमित के फ़ोन से चेक करके, अगर आप लोग चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक या फिर इनके प्राइजेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा वीडियो का। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से मेरे चैनल पे सब्सक्राइब बटन को टैप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और वीडियोस लाने का। और मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं फैशन रिलेटेड, क्लोथिंग रिलेटेड वीडियोज़ ज़्यादा लाऊँ डेली व्लॉग के,
अलावा, क्योंकि डेली व्लॉग तो आप काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं और लाइफ में कुछ इतना ज़्यादा कुछ नया वैसी चीज़ें चल भी नहीं रही हैं कि जो स्पेशली मैं आपके साथ शेयर करूँ, या बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशन या कुछ चल रहा हो। नॉर्मल लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रही मेरी 3 टी-शर्ट्स जो हमें इतने मंगाई थी, अभी मैं ट्राई करने जाने वाली हूँ। एक ट्राउज़र भी उन्होंने मंगाया था मेरे लिए डेली यूज़ के पर्पज से, तो मैं ऐसी टी-शर्ट खींच उसको ट्राई करती हूँ और उसकी क्वालिटी देखते हैं कैसी है। इसकी हम बात करें तो इस टी-शर्ट को मैं देना चाहूँगी 8.5। तो चलिए मूव करते हैं अपने ट्राउज़र की तरफ। सो गाइस, ट्राउज़र की बात करें तो ये ट्राउज़र है जो मैंने मंगाया है वहाँ से, और इसके प्राइस की बात करें तो अराउंड 800 समथिंग का हमें पड़ा है, और इस पर MRP जो दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इन्होंने दिया हुआ है 1899, 1899। बट छूने में इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल भी होगा होपफुली, क्योंकि बहुत सॉफ्ट कपड़ा लग रहा है। बाकी इसको पहनने के बाद इसको जज करेंगी कि ये कैसा निकलता है मेरा लास्ट आउटफिट। गाइस, अगर ट्राउज़र की बात करूँ तो ये पहन लिया है मैंने अपना ट्राउज़र, क्वालिटी इसकी अच्छी है, नॉट बैड, बहुत अच्छी भी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है ये, बट ओके है, मैं ऐसे घर में पहन सकती हूँ, इतना मुझे कम्फर्टेबल है। और मैं इसको आपको पूरा दिखाती हूँ। इसमें साइड में ना ये वाइट कलर की स्ट्रैप लाइनिंग दी हुई है जो कि इसको बहुत ही प्यारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा लुक दे रही है। बाकी मैं आप इसको डाउन करके दिखाती हूँ। सो दिस इज वॉट इट इज लुकिंग लाइक। प्यारा है ट्राउजर, अच्छा है, रेंज के अकॉर्डिंग 800 रुपये के अंदर वर्थ कहूँगी मैं इसे, पर बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा तो मुझे ये पसंद नहीं आया है, बट ओके है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इसको ट्राई ऑन हॉल की एंडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या ट्राई ऑन हॉल या शॉपिंग हॉल के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों के साथ प्यार से रहिए, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा।